तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेन्निनन्दसहा परमितत्त्वपदवेन्दपौ नमियो सिद्धसुभा गुरुवे शिहि गोपतिरुहि गोपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनेवर हम अर्थ त्यर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। अपन मंगलाचरण में महाराज जी की पहली गाथा ले या फिर कोई से ग्रंथ का वाचन चालू करो। नहीं वकील साहब भी हैं आप लोग अकेले थोड़े सबके हिसाब से चार सौ ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्धं ज्ञानमयं साम्यकदर्शिनेत्वं सम्यक्तिचरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए श्री मारुण जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृतमय दिव्य देशना की जय हो जय हो जय हो। यह अपना क्रम हमने अभी अष्टांग का पर में दर्शन की चर्चा करी थी कि भई दर्शन क्या है, शुद्ध दर्शन क्या है, आत्मा के श्रद्धान से अंतरात्मा के स्वभाव में अंतर श्रद्धान से जीव को सत्य का दर्शन क्या है। और यहां अपन चर्चा ले रहे हैं कि भैया ज्ञायक भाव क्या है। ठीक है, क्योंकि जिसको सम्यक श्रद्धा है, जिसको सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के द्वारा कहा हुआ जिन शासन स्वीकार है, जिसको अंतरात्मा की दिव्य ध्वनि स्वीकार है, वह जीव संयोगों में रहते हुए भी ज्ञायक है। अब वह ज्ञायक कैसे है, ये ज्ञायक का जो स्वरूप आचार्य तारंतरण स्वामी कह रहा है, जो कमल स्वभाव की महिमा गुरुदेव कह रहा है, ये कमल स्वभाव कैसा है, बस इसको जानने की कोशिश करेंगे अपन। ये समझो कि अभी 15 दिन तक सिर्फ एक ही क्रम चलना है। एक क्रम क्या चलना है, ज्ञायक भाव, संयोगों में रहते हुए संयोग से भिन्न कैसे, संयोग में रहते हुए संयोग से भिन्न कैसे, संयोग में रहते हुए संयोगी भाव से भिन्न कैसे। सुनते तो अपन बहुत अच्छे से हैं, भैया आत्मा ज्ञायक है, ज्ञान का स्वभाव ज्ञायक है, ज्ञान ज्ञायक स्वभाव वाला है, वो ज्ञानी ज्ञायक स्वभाव वाला है, ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञानी भोगता नहीं है। तो भैया वो ज्ञानी करता नहीं है ये कैसे, ज्ञानी भोगता नहीं है ये कैसे। जब ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञानी भोगता नहीं है, तो वो ज्ञानी स्थिर कैसे, कहाँ स्थिर है। और वह ज्ञानीपना अपने अंतर में कैसे प्रकट होगा, दो चीजें, एक ज्ञानी करता कैसे नहीं है, ज्ञानी भोगता कैसे नहीं है, वो ज्ञानी कैसे, और वह ज्ञानी मैं हो सकता हूं या नहीं हो सकता। आपकी भाषा में आपको बिल्कुल समझ में आएगी और आपको बिल्कुल अनुभव से सिद्ध होगी कि वो ज्ञानी मैं हो सकता हूं या नहीं हो सकता। इस भूमिका में वह ज्ञान में ज्ञायकपना, वह ज्ञान में ज्ञान रूप वृत्ति मुझे उत्पन्न हो सकती या नहीं हो सकती,
यह सबसे बड़ा विषय। ज्ञानी आकर्ता कैसे रहता है, ज्ञानी आभोक्ता कैसे रहता है, ये ज्ञानी की चर्चा, और अपन ज्ञानी हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये अपनी चर्चा, अपन ज्ञानी रह सकते हैं या नहीं रह सकते ये अपनी चर्चा। भैया सबसे पहले ज्ञानी होने के लिए आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, सबसे पहले ये अनुभव करना पड़ेगा कि आप ज्ञानी होने के पहले आप ये जानते हो या नहीं जानते कि आप मात्र ज्ञान। भी कैसे जाने इस बात को, इस बात को कैसे अनुभव करें कि भैया हम मात्र ज्ञान हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, सुबह से लेके शाम तक आप सारी वस्तुओं को जानने के अलावा आप करते क्या हो? अच्छा घर में, दुकान में, चौके में, इंद्रियों से जितने पदार्थ गमने में आ रहे हैं उन सारे पदार्थों में आप जानने के अलावा क्या करते हो? मैं भोजन बनाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं ये सारी क्रियाएं करता हूँ, ये सारी क्रियाएं में जो कर्तव्य के भाव सहित हो रही हैं उन कर्तव्य भाव को भी आप जानने के अलावा क्या कर रहे हैं? नहीं आ रही ये बात पकड़ में? इतनी सरल सी बात कि आप दैनिक चर्या में जान रहे हो या नहीं जान रहे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सत्य को जान रहे हो या असत्य को जान रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शुद्ध को जान रहे हो या अशुद्ध को जान रहे हो, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप जान रहे हो या नहीं जान रहे। कुछ भी जान रहे हो आप, एक्स वाई जेड कुछ भी जान रहे हो, जान रहे हो या नहीं जान रहे? जान रहे ना भैया। तो जो जान रहा है, जो इस पल जान रहा है, जो इस समय जानने की सामर्थ्य रख रहा है, वो जानने वाला ज्ञान है। बस जो इस पल जान रहा है आप यदि उसे जान लिया आपने तो आप ज्ञानी। इतना सरल है ज्ञानी होना, इतना आसान है ज्ञानी होना कि जो इस पल जान रहा है, जो इस समय जान रहा है, यदि इस समय जानने वाले को आप जान रहे हो तो आप ज्ञानी हो, और जो इस समय जानने वाले को जान पाएगा, जो इस समय देखने वाले को देख पाएगा वो ही ज्ञायक भाव में रह पाएगा। क्योंकि भैया देखो क्या करना है अपने को, भैया राग से भिन्न रहना है तो ज्ञायक, द्वेष से भिन्न रहना है तो ज्ञायक, कर्तव्य परिणति से भिन्न रहना है तो ज्ञायक। अब जब आपको राग से भिन्न रहना है, द्वेष से भिन्न रहना है, कर्तव्य परिणतियों से भिन्न रहना है, तो इन सबसे भिन्न रहने वाली सत्ता कौन सी है जो कमल की तरह बिल्कुल खिली हुई है? इनसे भिन्न रहने वाला स्वरूप किसका है जो अपने आप में पूर्ण आनंद रूप खिला हुआ है, खुला हुआ है? पहले आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी भैया, और वो है आपका ज्ञान। जो इस समय जान रहा है और देख रहा है, लेकिन भैया अब आप यहां ये प्रश्न करोगे भैया इस समय वो जान रहा है देख रहा है ऐसा कहां, इस समय तो वो कर रहा है, हमें तो ऐसा वेदन होता है भैया इस समय तो हम कर रहे हैं, इस समय तो हम धर रहे हैं, इस समय तो हम बना रहे हैं, भैया इस शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं वो हम में घट रही हैं, अनुभव तो ऐसा होता है। तो इस समय ज्ञान ज्ञायक कहाँ है, इस समय ज्ञान ज्ञाता कहाँ है? इस समय ज्ञान तो विभाव रूप परिणमित हो रहा है ना भैया, इस समय ज्ञान तो अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है ना, इस समय ज्ञान ज्ञायक कहाँ है? अनुभव से बताओ भैया, आप कर रहे हो, आप धर रहे हो, आप उठा रहे हो, आप रख रहे हो, इस परिणमन के समय, इस परिणमन के काल में आपका ज्ञान ज्ञायक कहाँ है भैया? यही तो हम कह रहे हैं, हमें तो कर्तव्य का बोध हो रहा है, हमें तो राग का बोध हो रहा है, हमें तो अपनत्व का बोध हो रहा है, हमें तो शरीर रूप, इंद्रिय रूप, सुख दुख, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, इसका ही वेदन हो रहा है, इस समय भैया हम ज्ञायक कहाँ हैं? बस आपको सिर्फ इस कला को सीखना है कि जिस समय कर्तव्य का बोध हो रहा है, भोक्तत्व का बोध हो रहा है,
सर्दी का बोध हो रहा है, गर्मी का बोध हो रहा है, उस समय इन सब अज्ञान परिणतियों का जो बोध कर रहा है वो तो मन है। लेकिन उस मन को जो जान रहा है वो कौन है, ये बताओ बस। यदि आप में इतनी जागृति आती है, यदि आप में इतना चिंतन करने का साहस है, यदि आप में इतना अंतर से आपको यदि इतनी चेतावनी मिलती है, इतना आप यदि चेतते हो कि भैया जो जुड़ रहा है, जो कर रहा है, जो धर रहा है वो मन है, यदि इतनी चेतावनी यदि आपको अपने अंतर से मिलती है, तो आप अपने ज्ञान को, अपने ज्ञायक स्वभाव को आप इसी समय सिद्ध कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसी चेतावनी मिलती हो तो, यदि आपको अंतर से ऐसी चेतावनी मिलती हो तो अभी अभी क्या होता है, नहीं मिलती चेतावनी, ये मूर्छा का परिणाम। यदि आपको ऐसी चेतावनी नहीं मिलती तो आपका ज्ञान गहरी कर्तृत्व की, गहरी भोक्तृत्व की तंद्रा में डूबा हुआ है, फिर उसको कमल की तरह खिलना, उसे कमल की तरह प्रफुल्लित होना, उसको आनंद की तरह उद्वेगिक होना, ये कार्य तो सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि आपको ये चेतावनी नहीं मिलती तो इसका अर्थ ये है कि आपका ज्ञान तो उन परिणाम में डूब चुका है, आपका ज्ञान तो उस परिणाम में डूब चुका है। और भैया जो अज्ञान में डूब चुका हो, जो राग में डूब चुका हो, उसे ज्ञायक रहने का होश कैसे आएगा। आपको सिर्फ चेतावनी चाहिए, देखो बहुत सरल चर्चा है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रही, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे अनुभव में नहीं आ रही, बहुत सरल है। क्योंकि ज्ञानी अपने बीच से अपने को ही होना है, ज्ञानी कोई बाहर से नहीं आएगा। यदि अपनी सोचें कि भैया ज्ञानी कोई बाहर से आएगा, ज्ञानी कोई बाहर से होगा, तो ज्ञानी कहीं बाहर से नहीं आएगा, ज्ञानी कोई बाहर से नहीं होगा, ये जीव आत्मा इन संयोगों में रहते हुए ही ज्ञानी होगा। है नहीं चेतने की बात कि मुझे इन संयोगों के बीच में रहते ही ज्ञानी होना है, मुझे इन संयोगों के बीच में रहते ही ज्ञाता होना है। जब मुझे इन संयोगों के बीच में रहते हुए ज्ञाता होना है, जब मुझे इन संयोगों के बीच में रहते हुए ज्ञानी होना है, तो ज्ञानी होने का उपाय क्या है। ज्ञानी होने का उपाय है आत्म जागृति, होश, कि आपको होश कितना बना है, आपको अंतर में आपका होश कितना बना है कि भैया वो चेतन में आत्मा तो मैं हूं। बस इतनी सी जागृति कि भैया वो ज्ञान में स्वरूप तो है, भैया इस समय मन को जो जान रहा है वो भी तो ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा और किसमें सामर्थ्य है जो मन को जान सकता है भैया। और यदि आप ये कह रहा भैया अभी मन ही हमें जानने में नहीं आता, तो भैया अभी गहरी मूर्छा है, आप अभी चेतना को स्वीकार नहीं कर पा रहे, चेतना को शुद्ध रूप, चेतना को ज्ञायक रूप, चेतना को ध्रुव रूप आपकी स्वीकारता नहीं हो रही। यदि आपकी स्वीकारता में, आपके अंतर स्वीकारता में यदि चेतन तत्व आ जाए, आपकी अंतर स्वीकारता में, आपकी अंतर अंतर की स्वीकारता में यदि मैं चेतन हूं यदि ये आ जाए, तो आपको अंतर से ये बात अंतर से क्लिक हो जाएगी कि भैया देखो जो जान रहा है वो ज्ञान है, और भैया देखो मन को भी जान रहा है, वो ज्ञान मन को भी जान रहा है। भैया अनुभव से तो बताओ, भैया ये आपके अनुभव से आपको स्वयं सिद्ध होगा। भैया इसके लिए अभ्यास क्या है, इसके लिए अभ्यास है कि आपको गहरी स्वीकारता करनी पड़ेगी। भैया कैसी गहरी स्वीकारता, कि मात्र मैं वह चेतना ही हूं बस। और जब आप इस सत्य को स्वीकार करोगे तो आप खुली आंखों से ज्ञायक हो जाओगे, आपको आंख बंद करने का में जो आनंद आता है वो अपनी जगह है, आपको आंख बंद करके जो चिंतन करके अंतरंग धारा में जो बहने में आनंद आता है वो अपनी जगह है। लेकिन आप घर में, गृहस्थी में, पुत्र में, परिवार में, संयोगों के बीच में रहते ज्ञायक हो जाओगे, विकल्पों के बीच में रहते ज्ञायक,
ज्ञायक तो उसी को कहते हैं ना जो सर्व अवस्थाओं में, सर्व विकल्पों में हो, कोई सी भी अवस्था में हो, लेकिन उसके पास उसका ज्ञान में स्वभाव जीवंत हो, वो ज्ञायक। तो भैया यहां आपको किसी भी चीज के लिए अंकुश नहीं लगाया जा रहा कि आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे। देखो कितनी अच्छी बात है, आपको ये बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, बिल्कुल नहीं टोका जाएगा कि आपका परिणमन कैसा चल रहा है। सुनो अच्छे से इस बात को कि आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे हम। क्या नहीं, क्या किस बात में रोकोगे कि आप भोजन बनाओ या ना बनाओ, आप घर के काम करो या ना करो, आपको राग भाव चले या नहीं चले, आपको द्वेष भाव चले या नहीं चले, हम आपको किसी भी चीज पे नहीं रोकेंगे। हम आपको कहीं भी किसी भी चीज पे टोकेंगे नहीं, आपसे बिल्कुल किसी भी चीज पे नहीं टोकेंगे कि आप ये करो या ये मत करो, किसी चीज पे नहीं टोकेंगे। लेकिन भाई फिर हम सिर्फ आपसे ये पूछेंगे कि इन सब के चलते हुए परिणमन के बीच में आपको ये होश है या नहीं है, क्या कि मैं ज्ञान हूं और मैं इन्हें जान रहा हूं, इतना होश है या नहीं। देखो भाई कितना सरल और कितना सटीक सिद्धांत है। हम आपसे क्रिया बदलने नहीं कहेंगे क्योंकि अनादि काल से ये जीव इन क्रियाओं में धर्म मानता आया है, भाव बदलने को धर्म मानता आया है, क्रिया बदलने को धर्म मानता आया है, पुण्य पाप की क्रिया को करके धर्म मानता आया है। लेकिन आज हम पुण्य पाप में आपको धर्म नहीं कहेंगे। आप घर छोड़ के चैत्यालय में आके प्रवचन सुनने लगे तो धर्म नहीं हुआ। आप घर गृहस्थी का काम छोड़ के यदि यहां के तत्व चर्चा सुनने लगे तो धर्म नहीं हुआ। इसको धर्म मत मानो भगवान, क्योंकि धर्म यहां है ही नहीं। तो भाई फिर धर्म कैसे होगा? आपको ये कितना होश में आया, ये कितना बोध में आया कि जो इस सत्य को सुन रहा है वो, जो इस सत्य को गम रहा है वो ज्ञान में हूं, ये कितना आपको बोध में आया, ये कितना आपको होश में आया? तो भैया सब स्वाक्षंदी नहीं हो जाएंगे, सब अज्ञानी नहीं हो जाएंगे? पूछो, अरे हम मंदिर ना आए, चैत्यालय ना आए, जिन भगवान की वाणी ना सुने, और जो आप ये बात बता रहे हो ये बात हम नहीं सुने, तो हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे, राग देश में लिप्त नहीं हो जाएंगे? ये देखो स्वच्छंदी कौन होगा भाई? स्वच्छंदी कहते किसे पहले आप ये तो बताओ। अरे जिसको अपने ज्ञान होने का बोध नहीं है उसको स्वच्छंदी कहते हैं भगवान, जिसको अपने ज्ञायक होने का बोध नहीं है उसको स्वच्छंदी कहते हैं। जो इतना सुन के भी, जो इतना समझ के भी अभी भी ये मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं शुभ राग कर रहा हूं, मैं अशुभ राग कर रहा हूं, मुझसे शुभ क्रिया हो रही है, मुझसे अशुभ क्रिया हो रही है, ऐसा जो स्वीकार कर रहा है उसको स्वच्छंदी कहते हैं। भैया जो आकर्ता हूं, आभोक्ता हूं, ज्ञायक हूं, जो इसको स्वीकार कर रहा है उसको स्वच्छंदी कैसे कह सकते हैं? आप खुद बताओ भैया। आज तो साधना क्या है बताओ भैया, साधना क्या है? साधना क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कुछ भी हो रहा है वो होने दो, उसका विचार बिल्कुल पूरी छूट दे रहा है हम आपको। यहां ज्ञायक की चर्चा चल रही है कि अपन ज्ञायक कैसे हो सकते हैं, यहां ज्ञायक की चर्चा चल रही है कि अपने अंतर में ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव की उपलब्धि कैसे हो सकती है, अपन संयोगों में के बीच में रहते हुए ज्ञाता कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं, यहां जिनेन्द्र परमात्मा यहां आपको पूरी छूट दे रहे हैं कि आपका परिणमन कैसा चल रहा है इसके बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने एक बार भोजन किया या दो बार भोजन किया,
आपसे का इंटरव्यू होगा, जिनेन परमाना पूछेंगे तो आपसे ये पूछेंगे कि उन सारी क्रियाओं के होते समय, वो सारे भाव के चलते समय, क्या आपको एक बार भी ये बोध आया कि इन्हें जो जान रहा है वो इन सारी क्रियाओं को जो जान रहा है, शुभ से लेके अशुभ तक जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, इन सारी क्रियाओं को जो जान रहा है वो ज्ञान मैं हूं, वो ज्ञायक मैं हूं, क्या आपको ऐसा बोध आया? भैया यदि आपको ऐसा बोध आया, यदि आपको अंत से ऐसा चेतन में पना, चेतन में स्वभाव उत्पन्न हुआ कि हाँ वो जो जान रहा है वो मैं हूं, यदि अंतर से आपको ऐसा किसी ने टोका भैया ये परिणमन मन में हो रहा है, कोई टोकता या नहीं टोकता बता? अच्छा आपको जैसे कि आप घर में कोई काम कर रहे हो और कोई टोक दे कि भैया देखो माँ हाथ मत लगाना करंट है, तो आपका हाथ वहां नहीं जाता पक्का, रुक जाता नहीं रुकता? ये सरल सी बात है ना भैया, यदि कोई कह दे कि भैया यहां करंट है यहां हाथ मत देना, तो आपका हाथ वहां जाने से रुकता है नहीं रुकता? पक्का बताओ रुकता है या रुकता है ना भैया। ऐसे ही यदि अंतर से कोई आपको टोके कि भैया ये मन में बहरा है, जो राग में बहरा है, जो कर्तव्य में बहरा है, भैया ये मन है, यदि कोई आपको अंतर में ऐसे टोक रहा है तो एक बात बताओ, वो जो ज्ञान है जो टोक रहा है, वो ज्ञान है वो महा उस समय जाने से रुका या नहीं रुका? इसका नाम तो क्या है? नहीं आई समझ में बता। अच्छा ये बात किसको समझ में नहीं आई ये बता पहले। मैं इस बार ये भावना रख के आया हूं कि एक भी यदि पहली बार सुनने वाला भी जीव बैठे तो उसको जैसा अनुभव कहा जा रहा है वैसे ही अनुभव होना चाहिए, और यदि सबसे हाई क्वालिटी का श्रावक भी बैठे तो उसको भी वो ही सिद्ध होना चाहिए जो होना चाहिए। आप ये अपने अनुभव से बताओ, आप ये अपनी अनुभूति से बताओ कि जिसने टोका कि हाथ वहां नहीं जाना चाहिए, वहां करंट है, तो बाहर में हाथ जाने से रुक गया, और जिसने अंतर से टोका कि भैया ये मन का परिणमन है, ये मेरा परिणमन नहीं है, उस समय वो ज्ञान वहां रुका या नहीं रुका? वो ज्ञान वहां स्थिर हुआ या नहीं हुआ? वो आपको पता लगा या नहीं लगा कि जिसने टोका वो मैं हूं, जिसने आपको जागृत किया, जिसने आपको उठाया वो मैं हूं, और जो सो रहा था, जो मूर्छित हो रहा था, जो बहरा था, वो तो अज्ञान है। बस भैया यदि इतना सा बोध आपको बार बार आता है तो आप जहां हो वहां ज्ञायक हो सकते हो, चाहे चौके में रोटी बन रही हो या व्यापार चल रहा हो, आप जहां हो वहां ज्ञायक हो सकते हो। ज्ञायक होने के लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं। ज्ञायक होना इतना सरल है भगवान। आजकल क्या है, विद्वानों ने ज्ञायक को मुश्किल कर दिया है। क्यों कर दिया है? यदि वो ज्ञायक को सरल कर देंगे तो सभी ज्ञानी हो जाएंगे, और ये सब ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर विद्वानों को पूछेगा कौन? भाई श्रद्धा बहुत मुश्किल से होती है, आत्मा की श्रद्धा बहुत मुश्किल से होती है, आत्मा का अनुभव बहुत मुश्किल से होता है, सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल से होता है, प्रतिमाएं बहुत मुश्किल से होती हैं, महाभारत बहुत मुश्किल से होते हैं, भैया सब कठिन है, सब कठिन है, सब कठिन है, तो भैया सरल क्या है? संसार में जन्म मरण करना सरल है भैया, वो ही करो। भैया सम्यक दर्शन करना कठिन है, सम्यक ज्ञान करना कठिन है, सम्यक चायत करना कठिन है, जब व्रत लेना कठिन है, महाव्रत लेना कठिन है, जब सारे आत्मा के संबंधित सारे कार्य कठिन है, तो भाई सरल क्या है? जन्म मरण करना सरल है फिर तो, राग द्वेष करना सरल है फिर तो, अनादिकाल से संसार में भटकना सरल है फिर तो, जब आत्मा के सारे काम कठिन है तो फिर सरल क्या है?
तो भैया विद्वानों की माया में मत फंसो। सही कह रहा है ना, इन क्रियाओं की माया में फंसो ना बड़े बड़े विद्वानों की माया में फंसो, आत्मा का अनुभव करने जैसा सरल दूसरा कोई काम नहीं है। पहला विश्वास ये कि अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभव करने से सरल काम कुछ नहीं है, अपने ज्ञाता स्वभाव के बोध करने से सरल काम और कुछ नहीं है। अरे वो चिदानंद चेतन शक्ति मेरे सर्वांग में बह रही है। और भैया अब अपनी अपनी आत्मा में पूरे में जो बह रही है, अपनी शक्ति का अनुभव करने में कठिनाई कैसी हो सकती है? बस भैया बात सिर्फ इतनी सी है कि अंतर से अपने को चेतावनी भर मिले आप क्या कर रहे हो इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो कर्माधीन सत्ता है, कर्माधीन व्यवस्था है। अच्छा हो रहा है तो कर्माधीन है, बुरा हो रहा है तो कर्माधीन है, राग के परिणाम आ रहे हैं तो कर्माधीन है और द्वेष के परिणाम आ रहे हैं तो कर्माधीन। स्वाधीन क्या है? बस आपको इतनी सी बात पकड़ना है कि राग के परिणाम आ रहा है या द्वेष के परिणाम आ रहा है, सब कर्माधीन है, लेकिन स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र क्या है? अरे अपना ज्ञान इस समय भी स्वतंत्र है कि वो जान रहा है। जिस दिन आपको इस सत्य का बोध आ गया कि मेरा ज्ञान इस समय भी स्वतंत्र है, मेरा ज्ञान इस समय भी स्वाधीन है कि वो इस समय भी इस पर्याय को भी जान रहा है, जिस दिन आपको ये चेतावनी अंतर से मिलना प्रारंभ हो गई, आपको इस सत्य का विश्वास कितना है कि हां मैं ज्ञानी हूं, मेरे अंतर वो ज्ञान में सत्ता ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो रही है। ये आपको अपने आप को आप कितने बार इस सत्य के बोध में, इस सत्य के बोध में, इस सत्य के विश्वास में आप कितने बार अपने आप को चेतावनी दे सकते हो कि जो जानने में आ रहा है वो मन का परिणाम है, चाहे वो राग हो चाहे द्वेष हो, चाहे काम हो चाहे भोग हो, चाहे क्रोध हो चाहे मान हो, जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो सब मन का परिणाम है, लेकिन जो जान रहा है वो। इतना से बोध का नाम ज्ञानी होना है, बता हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अभी हो सकते हैं नहीं हो सकते? बस यदि ऐसी विश्वास शक्ति अपनी काम कर रही है कि हां इस समय जो जान रहा है, जो जान रहा है वो ज्ञान है, ऐसी यदि विश्वास शक्ति अंतर में काम कर रही है तो अपन इस समय ज्ञानी हैं। भैया ऐसा विश्वास जगाना पड़ेगा तब जाके मोक्ष मार्ग चलेगा, और ऐसे कहते रहो कि भैया मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, बहुत कठिन है, ये जिनवाणी समझ में नहीं आती, तो तीन काल में भी कल्याण होने वाला नहीं है। ज्ञानी हुआ जाता है, कोई कोई जन्म से ज्ञानी थोड़ी ना होता। यदि अनादि काल से यदि जीव ज्ञानी होता तो संसार में जन्म मरण क्यों करता? इन 84 लाख योनियों के गर्भ से उत्पन्न क्यों होता? जन्म मरण के, राग के, देश के, ये मोह के, रोग के, शोक की इन वेदनाओं क्यों सहन करता? यदि शुरू से ही ज्ञानी होता ये जीव तो इन 84 लाख योनियों के गर्भ में क्यों पैदा होता? ये 84 लाख योनियों गर्भ ही तो है जिसमें ये जीव बार बार जन्म ले रहा है, मरण कर रहा है। एक गर्भ से निकलता है दूसरे गर्भ में चला जाता है, दूसरे गर्भ से निकलता है तीसरे गर्भ में चला जाता है। ये 84 लाख योनियां गर्भों का परिणाम ही तो है, एक बिली तो है एक प्रकार से, जिसमें जीव जन्म ले रहा है और मरण कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि ज्ञानी नहीं है इसलिए तो जन्म मरण कर रहा है। और आज लोग ये कहने लगे कि भैया ज्ञानी नहीं है तो आज लोग ये कहने लगे कि भैया क्या करें, ज्ञानी होना तो भैया बहुत मुश्किल है। भैया ऐसी धारणा बना दी गई। क्यों बना दी गई? इसलिए बना दी गई भैया कि यदि आप ज्ञानी हो जाओगे, आप यदि ज्ञान में स्वभाव को जान लोगे तो फिर विद्वानों की दुकान बंद हो जाएगी, फिर उन्हें पूछेगा कौन? तो भैया अब बात इतनी सी चल रही है कि अपने को जब भैया कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, तो फिर क्या करें? आप तो ये बताओ भैया,
अपने को जब कुछ करना नहीं है, आप कह रहे हो कुछ नहीं करना, आपको आपको कोई परिणाम नहीं बदलना। जब अपने को कुछ करना नहीं है, अपने को कुछ धरना नहीं है, तो फिर क्या है? ये जानना और देखना तो है या नहीं है? अच्छा, आखिरी तक बैठे हुए व्यक्ति बताओ कि जानना और देखना कब बंद होता है? सोते में बंद होता है जानना देखना? भैया, ये सोते में जानना और देखना बंद होता है तो स्वप्न देखा था ये कौन जानता है? नींद में भी कोई विचार चल रहे थे, सुबह तक उठ के देखा था वही विचार बने हुए थे, कौन जानता है ना? यदि सोते में भी यदि जानना और देखना बंद होता है तो विचार विचारों को कौन जानता है? तो भैया, इसका मतलब यह है कि जानना और देखना कभी रुकता नहीं, और मैं जानना देखना कभी बंद करता नहीं हूं। जब मैं जानना और देखना कभी बंद नहीं करता, जब जानने और देखने का रूप परिणमन कभी नहीं रुकता, तो ज्ञानीपना कब रुक सकता है ये बताओ? क्योंकि जानने और देखने का नाम ही तो, देखो ये विश्वास करना मुश्किल है बस, क्योंकि यदि आपने विश्वास कर लिया तो अंतर वाला जाग के बार बार कहेगा कि तू ज्ञानी है, तू ज्ञानी है, तू ज्ञानी है, तू ज्ञानी है। यदि आपने विश्वास कर लिया तो अंतर वाला बार बार हर समय कहेगा कि तू ज्ञानी है, और यदि विश्वास नहीं कर पाए तो फिर अज्ञानी बने रहोगे। जीवन अज्ञानी बने बने निकल गया, मृत्यु भी अज्ञानी बने बने हो जाएगी, और चले जाओगे दुर्गतियों में यात्रा करने के लिए नरक और निगोद। भैया, जाना है क्या दुर्गतियों में? इस मनुष्य भाव को व्यर्थ गंवाना है क्या? 84 लाख योनियों के चक्कर लगाना है क्या? जब कहते हो कि नहीं लगाना, तो भैया ज्ञानी होने में नुकसान क्या? अच्छा बताओ, ज्ञानी होने में नुकसान क्या है? आपके धन दौलत खत्म हो रही है, रुपया पैसा कुछ छूट रहा है, पुत्र परिवार कुछ छूट रहा है। अरे भैया, जिसमें एक ढेला नहीं लग रहा, जिसमें एक ढेला नहीं लग रहा, जिसमें एक ढेले की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान में आत्मा आपका आत्मा है, वो जानने देखने वाला आपका स्वभाव है, जिसमें एक ढेला खर्च नहीं हो रहा। भैया, ऐसे ज्ञानी होने में आपका नुकसान क्या है? मुझे तो बस इतना बता दो। देखो भैया, बचपन से बुढ़ापा आ गया या फिर आने वाला है, लेकिन मिला क्या? अज्ञानी बनने से मिला क्या? कर्मों का आश्रय, अनंत कर्मों का बंध, और अनंत कर्मों का आश्रय बंध से अनंत चतुर्गति यात्रा की दुख में पीड़ा। इसके अलावा कुछ मिला? जन्म मरण के अलावा कुछ मिला? आज तक मान लो आपको बहुत सारे लोगों ने कहा हो कि भाई तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम मूढ़ हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम रागी हो, तुम देसी हो, पूरी दुनिया ने तुम्हें टोका हो, पूरी दुनिया ने तुम्हें तिरस्कृत किया हो, लेकिन भैया सबने तुम्हें अज्ञानी कह के कितने ही टोका हो, अज्ञानी कह के तुम्हें कितनी उपेक्षा करी हो, लेकिन बताओ, अज्ञानी तुमने अपने आप को माना, अज्ञानी तुमने अपने आप को स्वीकार किया, तो तुम्हें अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करने से मिला क्या आज तक? तुम ये बताओ बस, कुछ मिला? कुछ मिला हो तो बता दो। कोई भी आता कहता भाई अज्ञानी है, तुम खुद मान लेते हो कि भैया हम अज्ञानी हैं, तुम्हें अपने आप को ऐसे अज्ञानी मानने से मिला क्या है? तुम तो ये बताओ दो आज तक, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना भैया। भैया, लेकिन अपने आप को यदि ज्ञानी मान लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। क्यों परिणमन में, क्यों कर्तव्य में, क्यों अपन पागल हुए जा रहे हैं? जहां आज तक कुछ नहीं मिला, वहां अपन क्यों अपनी मानता रख के बैठे हैं कि हम अज्ञानी हो ही नहीं सकते? ये अपनी जिद हो गई कि अपन ज्ञानी नहीं हो सकते, ये अपन ने अपने अंतर में मानता बना ली है कि भैया ज्ञानी तो कोई पंडित होता है, ज्ञानी तो कोई विद्वान होता है, ये अपन ने जिद बना ली अपने अंतर में। भैया, इस जिद को जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन आप ज्ञानी हो। इस जिद को आप जिस दिन अपने अंतर से निकाल दोगे उस दिन आप ज्ञानी हो।
क्योंकि भैया ज्ञानी का काम मात्र देखना और जानना है बस। और अपन जानते हैं या नहीं जानते, देखो पीछे वालों की आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही, विश्वास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा विश्वास, अपने जानने देखने का विश्वास नहीं हो रहा। अरे भैया यदि जान नहीं रहे देख नहीं रहे तो कर क्या रहे हो, फिर मुझे ये बता दो। भैया आज तक यही हुआ है, राग कर रहा हूं द्वेष कर रहा हूं, ये स्वीकार करते करते जीवन निकल गया। रागी हूं द्वेषी हूं यही स्वीकार करते करते जीवन निकल गया। अरे भगवान ये बहुत गहरी बात है और आप कितनी गहरी साधना कर रहे हो, ये आपके लिए अंतर आत्मा में यदि आपको ये चेतावनी आ रही है कि भैया ये करना और धरना तो पर है, जानना और देखना मैं हूं, तो आप उस अशुद्ध से अशुद्ध भावधारा में भी आप ज्ञानी हो। इतना मूल रहस्य है जिन आगम का, और इस रहस्य को कोई भी कभी भी कैसे भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ विश्वास हो कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी पे विश्वास हो, सर्वक जिनेन्द्र देव के वचनों पे विश्वास हो कि वो तुम्हें ज्ञानी कह रहा है। ज्ञानी हो ज्ञानी तू चाहे ले चेतक ही रह, बस हो ज्ञानी तू चाहे ले चेतक हीरा, कि तुझे सिर्फ इतना सा बोध हो जाए कि मैं चेतन में आत्मा हूं, तो आप जहां बैठे हो वहीं ज्ञानी। और यदि भैया इस सत्य का बोध नहीं आ रहा तो आप भैया कहीं भी हो अज्ञानी। सिर्फ बोध आने का नाम ज्ञानीपना है, कोई क्रिया का नाम ज्ञानीपना आप जहां बैठे हो जिस जगह बैठे हो जिस स्थिति में बैठे हो उस स्थिति में ये बोध आने का रहा तो ज्ञानी। अब आप बताओ आप क्या होना स्वीकार करोगे, ज्ञानी होना या अज्ञानी होना? आप क्या स्वीकार करोगे अपने आप को, ज्ञानी बनना या अज्ञानी रहना? भैया अनादि काल से अज्ञानी बन के तो तुमने देख लिया, वही दुख वही जन्म मरण और वही 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। अनादिकाल से अज्ञानी होकर तो तुमने देख लिया कि मिली वही यातना, लेकिन भैया आज ज्ञानी होकर तो देख लो, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, सारे दुख मिला जाएंगे, सारी अज्ञानता मिट जाएगी, सारा कर्तव्य भाव छूट जाएगा। अरे ज्ञानी के ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञाता स्वभाव है, उसे कर्ता और भोक्ता से लेना देना कुछ भी नहीं है। भैया बहुत मुश्किल बात है, नहीं है भैया, चर्चा ऊपर से निकल रही है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा बताओ क्यों नहीं हो सकता ऐसा? भैया गहरी बात है समझ में नहीं आ रही, भैया ऊपर से निकल रही है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बताओ बताओ क्यों नहीं हो सकता ऐसा? कोई नहीं बता रहा। अरे इसलिए नहीं हो सकता कि भैया ये तो अनुभव से प्रमाण है कि मैं जान रहा और देख रहा हूं। अब जब अनुभव से सामने जानता हुआ देखता हुआ मैं अपने आप को देख रहा हूं तो अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं, समझ में आने जैसी कोई बात ही प्रतीत नहीं होती। यदि कोई ऐसी बात होती कि भैया अणुव्रत ऐसे होते हैं, महाव्रत ऐसे होते हैं, दीक्षा ऐसे होती है, संयम ऐसे होता है, ये ऐसे छोड़ा जाता है, ये ऐसे पकड़ा जाता है, यदि ऐसी कोई चर्चा होती तो आप कहते भैया बहुत गहरी बात है हमें समझ में नहीं आती। यदि हम आपसे कह रहे होते महाव्रत ले लो अणुव्रत ले लो तो आप कहते भैया बहुत गहरी बात है हमें समझ में नहीं आती। लेकिन भैया हम तो ये कह रहे हैं ना कि मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं, अब इसमें समझने नहीं समझने जैसा क्या है ये बता, कुछ है ऐसा नहीं समझने जैसा?
तो भैया ऐसे जान रहा हूं, देख रहा हूं, ऐसे चैतन्य स्वभाव का बोध आना, इसका नाम ज्ञानीपना है। और जैसे ये बोध आएगा, वैसे कहते ना भैया करंट है, यहां हाथ लगाओगे तो करंट लग जाएगा। जैसे तुम्हें बोध आएगा कि मैं चेतन हूं, जैसे तुम्हें बोध आएगा कि मैं चेतन हूं, मैं ज्ञान में हूं, वैसे ही तुम्हें तुम्हारा ज्ञान जागृत हो जाएगा और यह पता लग जाएगा कि मैं राग में जाऊंगा, ये द्वेष में जाऊंगा, यदि मैं इनका कर्ता अपने आप को स्वीकार करूंगा तो भैया 84 लाख योनियों का परिभ्रमण प्रकट हो जाएगा। इन्हें चलने दो, राग को मत रोको, द्वेष को मत रोको, कर्तव्य भाव को मत रोको, इन सबको चलने दो, लेकिन मैं ज्ञानी हूं ऐसे बोध को बना के रखो, बस इतने से का नाम है साधना। भैया सरल लग रही है नहीं लग रही? इससे सरल कुछ और है क्या? अरे सिर्फ होश में आने का नाम मोक्ष मार्ग है, बस क्रियाओं करने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। सिर्फ होश में आने का नाम मोक्ष मार्ग है कि आपको होश कितना है, आपको जागृति कितनी है, आपको सिर्फ चेतनता कितनी है, बस चेतन होने का नाम। अच्छा अपने आपको छू के देखो, अच्छा ऐसे ऐसे छू, अच्छे जोर से चिमटी लगाओ जरा, अच्छे से कुछ महसूस हो रहा है? दर्द जैसा कुछ फील हो रहा है? इसका मतलब चेतना, इसका मतलब तुम जी रहे हो, इसका मतलब तुम आत्मा हो, तुम्हें कुछ फील हो रहा है ना? इसका मतलब तुम चेतन हो, इसका मतलब तुम आत्मा हो। और भैया यदि तुम आत्मा हो, तुम यदि इसे जान रहे हो, यदि इसका अनुभव कर रहे हो, तो भैया वो ही तो जानने देखने वाला है, वो ही तो चेतन है, वो मैं हूं। यदि ऐसा स्मरण आपको क्लिक करता है बार बार अंतर्ज्ञान में, तो आप ज्ञानी हो। ये जागृति की चर्चा है, याद रखना। कितनी ऊंची साधना हो, आप कितने ही ऊंचे लेवल पे हो, कितने हाई लेवल पे हो, यदि ये वो ज्ञाता होने की चर्चा है, ये ज्ञायक वो होने की चर्चा है जो आपकी ज्ञान रूप पर्याय से भी आपको भिन्न कर देगी, ज्ञान रूप पर्याय से भी आपको भिन्न कर देगी। भैया मैं तो वो विराट सत्य हूं, वो तो मैं अचल चेतना हूं जिसमें दशाओं की कोई पराधीनता नहीं है। आप जय बोल पाते हो या नहीं बोल पाते, इसमें कोई आक्षेप नहीं, ज्ञानी की चर्चा है। आप आनंद में पीते हो, आप आत्म का रस लेते हो, बस सिर्फ यहां सिर्फ रस की बात है कि वो चेतना में हूं। भैया बोध आता है नहीं आ रहा? देखो भैया इतने का नाम मोक्ष मार्ग है। होश आ रहा है या नहीं आ रहा? इतने का नाम मोक्ष मार्ग है। भैया वो ज्ञानी मैं हूं, वो ज्ञाता मैं हूं, वो ज्ञान रूप मेरा है, उसके अलावा और कुछ मैं हूं ही नहीं, ऐसे बोध का नाम ज्ञानी। भैया आज ज्ञानी हो जाओ, कल का भरोसा पल का भरोसा नहीं है। आज ज्ञानी हो जाओ, आज आत्मा के बोध को प्राप्त कर लो, आज चैतन्य के बोध को प्राप्त कर लो, एक समय बाद का कोई भरोसा नहीं है। सबने देखा है, अभी सबने जीवन की हकीकत को इस कोरोना काल में बहुत निकट से देखा है, मैंने भी देखा और आपने भी देखा। तो भैया एक समय का, एक पल का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए आज इस समय अपने आप को ज्ञानी स्वीकार कर लो। जिस समय अपने आप को ज्ञानी स्वीकार कर लोगे भगवान, उस समय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य परमात्मा तो इतना तक कहते हैं कि यदि इस समय पूर्ण श्रद्धान से, इस समय पूर्ण आस्था से यदि आपने सत्य को स्वीकार कर लिया कि मैं ज्ञानी हूं, तो भैया वो सम्यक दर्शन का अंकुरण एक बार में हो जाएगा, एक बार में, एक बार में, दूसरी बार की तो कोई बात है ही नहीं। इतना सरल है मोक्ष मार्ग, इतना सरल है सम्यक दर्शन, इतने सरल है आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करना, लेकिन भैया अपने को रुचि है? इतना सरल है आत्मा का अनुभव करना, इतना सरल है मुक्ति के मार्ग में आरोहण करना, इतना सरल है मोक्ष मार्ग में गमन करना, भैया इतना सरल है, लेकिन अपने को रुचि?
वे पूरा काम अपनी रुचि पे है, पूरा काम अपनी अंतर जिज्ञासा पे है, पूरा कार्य अपने आत्मबोध पे है। यदि अपने को ऐसी रुचि है तो अपने को ज्ञानी होने से कोई रोक सकता बस। अब यही चर्चा चलेगी, भैया अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, रोमांच आ रहा है ना, ये चर्चा अच्छी लग रही है नहीं लग रही, सिर्फ यही विषय लाएगा। कम से कम आप जब तक रोमांचित ना हो जाओ इस विषय में, तब तक, जब तक आप इसमें बिल्कुल फत्तर फोड़, बिल्कुल ये ना कहने लगो कि भैया अब तो पूरा घर ही भिन्न दिखाई देता है, भैया अब तो पूरा मन का परिणाम ही भिन्न दिखाई देता है, भैया अब तो नींद में सोते समय जो स्वप्न आते हैं, जो विचार चलते हैं, ऐसा लगता है वो भी भिन्न है। जब तक ऐसी दशा नहीं बन जाती तब तक ऐसी एक ही विषय है कि भैया मैं तो ज्ञान में ध्रुव चेतना ही हूं, इसके अलावा सब भ्रम भ्रांति और माया, सिर्फ एक विषय, और यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है, और यही महाव्रत अणुव्रत, यहां सब कुछ है। जहां आत्मबोध जागा, जहां जीव जागा, जहां उसके अंतर में चेतनता जागी, जहां उसको आत्मा का होश आया, तो भैया सारी क्रियाएं सारी चर्या अपने आप चेतन के आश्रय से पलती है, पालनी नहीं पड़ती। जहां आपको होश आया कि आपका ज्ञान में स्वभाव जयवंत है, जहां आपको बोध आया कि आपकी गायक में सत्ता जयवंत है, वहां आपको कोई क्रिया चर्या करनी नहीं पड़ेगी, क्रिया और चर्या संयम आदि सब अपने आप होंगे। भैया घर में रहते हुए कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह, कहने में कितना अच्छा लगता है भैया, कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह, कमल है कमल सहावम, आत्मा का स्वभाव ही कमल है कमल सहावम, आत्मा का स्वभाव ही कमल की तरह प्रफुल्लित होना है, आत्मा का स्वभाव ही अपने आत्म आनंद में प्रसन्नचित रहना है, आत्मा का स्वभाव ही अपनी स्वानुभूति में रत रहना है, आत्मा स्वभाव से ही कमल स्वभावी परमात्मा है भैया। लेकिन हम अनुभव कैसे करेंगे? अच्छा बताओ भैया, देखो क्षयोपशम बुद्धि की चर्चा नहीं, भैया हम अनुभव कैसे करेंगे भैया, कमले कमल स्वभाव उसका अनुभव हम कैसे करेंगे? अरे भैया उस कमले कमल स्वभाव का अनुभव, उस कमल दशा का अनुभव आप कैसे करोगे बताओ तो भैया, कैसे करोगे? अरे मैं चेतन हूं, यदि इस बात का बोध आपके अंदर से आ गया, आपके वर्तमान परिणमन को, वर्तमान में चलते हुए परिणमन को यदि आपने टोक लिया कि देखो ये मुझसे भिन्न है, तो आपको अपने अंतर में कमल स्वभाव का अनुभव आ गया। अच्छा समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, कि यदि आपने इस चलते हुए परिणमन को टोक लिया भैया जो बहरा है वो मैं, कितने विश्वास से टोका, कितनी वजनदारी से टोका आपने, कितनी तीव्रता से आपको इस सत्य की आस्था है, कितनी तीव्रता से आपको इस तत्व का सिद्धांत है कि हां इससे भिन्न ही मैं हूं, कितनी वजनदारी से, जितनी वजनदारी से आपके अंतर में आपने टोका, जितनी वजनदारी से आपको अपने अंतर में करंट लगा कि अरे यहां करंट है हटो, हट पाए या नहीं हट पाए ये बात नहीं चल रही, जितनी तेजी से आपने टोक दिया कि भैया यह करंट है अर्थात ये विभाव है, ये कर्तत भोक्तत की दशा है, ये संसार का परिणमन है, ये देह आश्रित क्रिया है, ये सब मन वचन काय का परिणमन है, और इससे भिन्न मैं तो ज्ञानी ही हूं, आपने जितनी तेजी से सत्य को अपने अंतर में उजागर कर लिया उतने उतने ज्यादा, उतनी ज्यादा आपकी अंतर की जागृति प्रकट हो गई। भैया ये अभ्यास आप दिन में कितने बार दोहरा पाते हो बस, इसका नाम ज्ञानीपन। जीव जुदा पुद्गल जुदा, दो शब्द में मोक्ष मार्ग है,
आप विश्वास नहीं करोगे। विद्वान कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आत्मानुभव बहुत मुश्किल है, सम्यक ज्ञान बहुत मुश्किल है, सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल है, और जिनवाणी कह रही है जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इन दो शब्दों में मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन है, वीत रखता है, आत्मा का अनुभव। किसकी बात मानोगे, किसकी बात मानोगे, जिनवाणी की या लोगों की? भैया जिनवाणी की बात मानोगे, जिनेन्द्र भगवान की बात मानोगे, तो स्वानुभूति स्वानुभूति झलकेगी बस। क्योंकि भैया बार बार जागने का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। जो सोया है वो खोया है, वो डूबा है, वो जो जागा है वो तो जागा ही हुआ है। जागे हुए को कोई नहीं बांध सकता, ये सिद्धांत नोट कर लो, लिख लो अपने चित्त में, जागे हुए को कोई नहीं बांध सकता, कोई कर्म नहीं बांध सकता, कोई क्रिया नहीं बांध सकती, कोई भाव नहीं बांध सकता, जागे हुए को कोई नहीं बांध सकता। और भैया जो सो रहा है उसको ही सब कोई बांध सकते हैं बस। आपकी क्रिया क्या है, आपका प्रणवन क्या है, आपकी भावधारा कैसी है, इससे कोई मायने नहीं रखता कि आपको कर्म का बंध कैसा होगा। हाँ, यदि आप उसमें सोए हो, यदि आप उसमें मूर्छित हो, तो अनंत संसार बंध रहा है। और यदि आप जागे हो तो जागे हुए को कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि उसे ना पर्याय से मतलब ना परिणमन से मतलब, जागना है नहीं जागना। रोज सुबह सो के उठते हो भैया, उसका नाम जागना? अब बताओ अंतर से जागना है या नहीं जागना? भैया जब तक लक्ष्य सम्यक्त नहीं होगा तब तक जागने का कोई मार्ग मिलने वाला नहीं। जागना है या नहीं जागना पहले निर्णय तो करके आओ। जागना है या नहीं जागना? और ये जागना ही है तो क्यों जागना है? भैया संसार से विरक्ति का भाव तो लेके आओ थोड़ा सा। भाई कैसी विरक्ति? हम क्रियाएं छोड़ने नहीं कह रहे, सिर्फ ये विरक्ति कि भैया ये संसार असार है, एक दिन पानी के बुलबुले की तरह यहीं का यहीं छीण हो जाएगा। और भैया यदि पानी के बुलबुलों की तरह ये जीवन यदि यहीं नष्ट हो जाएगा, पुत्र परिवार धन संपत्ति यदि सब यहीं नष्ट हो जाएगी, तो भैया मेरे साथ क्या जाएगा? बस इतनी विरक्ति भर मात्र आपके अंतर में हो बस, तो आपको ज्ञानी होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना विचार करने की शक्ति भर मात्र आपके अंतर में हो कि पानी के बुलबुलों की तरह ये आयु घट यही बीत जाएगा, लेकिन रहेगा तो कौन, रहेगा कौन, जिएगा कौन? चेतन में वो अविनाशी जो शाश्वत स्वभाव है वो बोध में किसके आएगा? जो अपने आप को ज्ञानी मान लेगा। भैया ज्ञानी मानने से स्वच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे हम? भैया मैंने परिभाषा पहले कही ना कि जिसको अंतर से बोध आएगा वो स्वच्छंदी नहीं, वो जिनेन्द्र हो जाएगा। तुम स्वच्छंदी होने वाले की परिभाषा तो समझो, जो सोया है जिसे बोध नहीं आएगा कि मैं चेतन हूं वो स्वच्छंदी है। और भैया जो जाग रहा है वो स्वच्छंदी कैसे हो सकता है ये बता। इसलिए भैया क्रियाएं बिगड़ जाए तो डरना नहीं, यदि परिणमन बिगड़ जाए तो भी डरना मत, यदि थोड़े बहुत विचार भी बिगड़ जाए तो डरना मत। लेकिन भैया इस बात के, इस सत्य के बोध को मत छोड़ना कि मैं तो ज्ञानी ही हूं, मेरे ज्ञानी पने में कभी कोई अंतर आने वाला ये स्वीकार है? स्वीकार है। आगे वालों से नहीं पूछ रहे, पीछे वालों से पूछ रहे। भैया ज्ञानी मैं हूं,
देखो कितनी सरल चर्चा है। अच्छा कौन कहता है कि भैया की चर्चा समझ में नहीं आती? यहां समझ जैसा कोई काम ही नहीं है, इसका विकल्प छोड़ के आओ, समझने का विकल्प छोड़ के आओ, समझाने का विकल्प, समझने का विकल्प छोड़ के आओ। अरे ज्ञानी तो सदा ज्ञानी है, उसे समझने की क्या जरूरत? एक ही चीज समझना है, जीव जुदा और पुद्गल दो के दो, खत्म। ज्ञान धारा, ज्ञान धारा और कर्म धारा, कर्म धारा दो के दो, दो का दो ज्ञान करना है भगवान, उसका नाम ज्ञानीपना। और जहां दो का दो ज्ञान में ना हो वहां अज्ञानीपना। तो भैया समय पूरा हो गया, एक घंटा बीत गया, अब आप ये बताओ कि आपके अंतर में विश्वास भरा या नहीं भरा? आपके अंतर में आस्था बढ़ी या नहीं बढ़ी? आपके अंतर में गुरुदेव की ये वाणी अंतर में गई या नहीं गई कि भैया मैं तो ज्ञानी ही हूं? भैया ऐसे बोलने से ज्ञानी हो जाएंगे क्या? भैया ऐसा बोलने से नहीं होंगे, तो फिर ऐसा स्वीकार करने से हो जाएंगे। क्योंकि स्वीकार करेगा तो वो कहेगा कि देखो वहां करंट है, करंट है मतलब, करंट है मतलब, हाँ अभी करंट आप चेतन को कह रहे हो वो सही है, लेकिन मैंने वो उदाहरण दिया था कि भैया मन का परिणमन राग में है, मन का परिणमन द्वेष में है, सुबह से लेके घर के बीच में ही हमें रहना है, पुण्य पाप की क्रियाओं के बीच में ही हमें रहना है। अब इन सारी क्रियाओं के बीच में यदि कोई आपसे कह रहा है, क्या कह रहा भैया? ये सब पर है, ये सब विभाव है, ये सब जन्म मरण का कारण है, ये सब दुख का कारण है। यदि अंतर से कोई ऐसा आपको बार बार चेता रहा है कि मैं चेतना हूं और ये सब कुछ पर्याय है, पराया है, यदि अंतर से कोई आपको ऐसा बार बार चेता रहा है तो आप ज्ञानी हैं। क्योंकि ज्ञानी को सत्य और असत्य का बोध होता है, अज्ञानी को सत्य और असत्य का बोध। भैया इतनी सरल है मोक्ष मार्ग की साधना, इतना सरल है अपने आत्मा में रत होने का मार्ग, इतना सरल है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का भेद। आप बता दो भैया आपको अंतर से सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो एक घंटे आपने सिर्फ एक ही बात सुनी है, क्या सुना भैया, क्या सुना है? कि ज्ञान ही मैं हूं, बस ज्ञानी, ज्ञानी मैं हूं ये नहीं कह पा रहे, कोई बात नहीं, ज्ञान ही मैं हूं ये तो स्वीकार है या नहीं है? यदि यही बोध आपको बार बार आएगा, यही बोध आपको बार बार आएगा, यही बोध आपको बार बार आएगा कि मैं ज्ञान ही हूं, तो तीन काल में भी आपको कोई कर्म, नोट कर लो, अनंत संसार में ले जा सकता नहीं है भैया। और जागने का पहली सीढ़ी यही है, ऊपर उठने की पहली सीढ़ी यही है, आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी यही है, इस पे जो कदम रखेगा वो वीतरागी हो जाएगा, इस पे जो कदम रखेगा वो जिनेंद्र हो जाएगा, इस सीढ़ी पे जो कदम रखेगा वो ज्ञायक हो जाएगा, वो किसी भी भूमिका में हो वो अपने परम आनंद स्वभाव को पहचान लेगा, वो अपने परम आनंद में धूप धाम में निमग्न हो जाएगा, वो किसी भी भूमिका में हो वो वीतरागी हो जाएगा, उसे वीतरागी होने से कोई रोक सकता नहीं। तो भैया ज्ञानी मैं हूं, बोध जागृत करो, बोध जागृत करो, ये बोध ही आत्मा की जागृति है। 8 बजे से 9 बजे तक अपना एक ही काम रोज का नियम ले लो, कौन कौन नियम ले रहा है कि 8 बजे से 9 बजे तक यहां बैठ के अपना एक ही काम, चाहे पानी गिरे, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए,
अपने को तो 8 से 9 एक काम करना है बस, मैं ज्ञानी हूं, इस सत्य का पोषण करना है। अज्ञानी मानते मानते मर गए हम, लेकिन हमें आज तक किसी ने नहीं बचाया। अब ये काम नहीं करना, अब ये काम नहीं करना, अब तो ज्ञानी है, ज्ञानी है और ज्ञान में हमारी सत्ता है, अब तो ज्ञानी होना है बस। अब अज्ञानी होके जीवन को नष्ट नहीं करना भैया। इसलिए इतना सा सिद्धांत है, इतनी सी बात है, गुरुदेव का इतना उपदेश है कि भैया आप ज्ञान में सत्ता हो। पता भाई कौन कौन इस बात को सिर्फ स्मरण करेगा, बस 1 घंटे इस सत्य को जिसको आपने इतना रुचि से पिया है, 1 घंटे बैठ के एक ही एक बात को, इस बात को कौन स्मरण करेगा बार बार? 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, वकील साहब 3, भाई साहब 4, पीछे वाले शोभना दीदी 5, 6, 7, बाकी लोग क्यों स्मरण नहीं करेंगे भैया? क्या कठिन लगा? क्यों दीदी क्या कठिन लगा? क्या कठिन लगा इसमें? कठिन क्या लगा? स्मरण क्यों नहीं आएगा ये बताओ? अच्छे क्यों नहीं आएगा स्मरण? विश्वास नहीं हुआ? अपने चैतन्य में होने का विश्वास नहीं हुआ? अपने आत्मा में होने का विश्वास नहीं हुआ क्या? भैया यदि विश्वास हुआ है तो विश्वास से कहो ना कि हम इस बात को अपने स्मरण में बार बार लाएंगे, क्योंकि भैया जितने बार अपने आप में चेतावनी मिलेगी उतने बार ज्ञान भिन्न हो जाएगा। जितने बार चेतावनी मिलेगी उतने बार आपका ज्ञान भिन्न हो जाएगा। और भैया जितने बार आप अंतर से चेतोगे, जितने बार आपको अंतर का बोध आएगा, उतने बार आपको अपनी चेतनता का भान बार बार आएगा। भैया ये ज्ञानीपना है, ये ज्ञानी होना है। बोलिए ज्ञाय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो।